यूं तो देश भर में कई तरह के आम पाए जाते हैं, लेकिन रीवा की पहचान कहे जाने वाले फलों के राजा सुंदरजा आम का स्वाद न केवल देश बल्कि विदेशों में भी खूब लोकप्रिय है। इसकी खासियत यह है कि यह दूसरे आम से कहीं अधिक स्वादिष्ट होता है। साल 1968 में इसके नाम से डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इस आम की एक खासियत यह भी है कि इस आम को डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। यह आम अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले आम की 213 प्रजातियों में से सबसे प्रमुख सुंदरजा आम है। एक जिला एक उत्पाद के तहत रीवा का सुंदरजा आम है। यह मुख्यतः रीवा की देन है, जो अब पूरे देश की नर्सरियों में पाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमेरिका सहित अरब देशों में सुंदरजा आम अपनी खासियत के चलते आम प्रेमियों को काफी लुभाता है। इसकी खासियत यह है कि सुंदरजा में सेंट जैसी खुशबू होती है। जैसा कि इसका नाम है, यह देखने में भी उसी तरह सुंदर दिखाई देता है। आम की मिठास इतनी है कि इसे आंख मूंद कर पहचाना जा सकता है। इसके चलते सभी सुंदरजा को पसंद करते हैं। सुंदरजा आम इस खासियत को लेकर समूचे देश सहित विश्व के अन्य देशों में भी विख्यात है। इसकी मिठास कोयल की मीठी वाणी से भी ज्यादा मधुर है, जिसकी वजह से बाजारों में इसकी मांग भी बनी रहती है। यह अपनी खासियत के चलते काफी लोकप्रिय है, जो थोड़ा महंगे दामों में बिकता है। सुंदरजा आम की एक छोटे से पेड़ में 100 से 125 किलो की पैदावार होती है और एक आम का वजन औसतन 200 से 250 ग्राम तक होता है। सुंदरजा के पौधे राजघराने की देन है। सुंदरजा किस्म का आम महाराजाओं की खास पसंद में शामिल है, जिसकी मांग अब विदेशों तक में है। यह कुठुलिया अनुसंधान केंद्र और गोविंदगढ़ में सुंदरजा के काफी पौधे मौजूद है। यह मौसम की मार के चलते फल कम हो रहे हैं, इसलिए आम प्रेमियों को लुफ्त उठाने के लिए इसे महंगे दामों पर खरीदने के लिए भी तैयार हैं। 1968 में इसके नाम से डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। सुंदरजा आम के कई तरह के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस आम की प्रजातियों में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। डायबिटीज के मरीज भी इस आम का स्वाद उठा सकते हैं और कई दिनों तक इसे रखा जा सकता है। सुंदरजा विश्व का एक ऐसा आम है जिसे डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को खाने की सलाह भी देते हैं।